गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इसके अगले वीडियो में हम पढ़ा दिए थे एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विथ वन डिजिट। तो चलिए आज हम सिखाते हैं एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विथ वन डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दिए थे एडिशन का मतलब अब जोड़ होता है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है। यहाँ दे रहा है क्वेश्चन में एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर, तो हम सबसे पहले आप लोग को बता दिए थे वन डिजिट कैसा होता है, सिर्फ फाइव हो, फोर हो, सिक्स हो या सेवन हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन डिजिट कहते हैं। अगर वन डिजिट से ज़्यादा अगर डिजिट हो तो उसको हम लोग नंबर में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग नंबर पढ़ते हैं, जैसे सिक्स और फोर और यहाँ फाइव, तो यहाँ थ्री डिजिट है। लेकिन डिजिट अगर वन रहे तो सिर्फ डिजिट पढ़ते हैं, डिजिट का हिंदी बाबू अंक होता है, और डिजिट से ज़्यादा अगर डिजिट रहे तो उसको हम लोग नंबर पढ़ते हैं। मतलब एक डिजिट रहेगा तो उसको डिजिट तो पढ़वे करेंगे, एक से अगर ज़्यादा डिजिट रहेगा तो नंबर में चेंज हो जाता है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है थ्री डिजिट नंबर, तो हम कोई तीन को डिजिट लेंगे, ए नंबर टू फोर फाइव, उसके बाद कह रहा है विथ वन डिजिट, कोई वन डिजिट ले लेंगे, मान के चलिए टू मान लिए, और इसको क्या करना है बाबू, हमको ऐड करना है। हमारे पास फाइव रुपीज़ है और नीचे मान के चलिए हमारे जो भाई है उसके पास कितना रुपीज़ है, टू रुपीज़ है, तो हमारा फाइव रुपीज़ वन टू थ्री फोर फाइव, और नीचे जो हमारा भाई है उसके पास उसका टू रुपीज़, टोटल मतलब हमारा और हमारा भाई का पैसा मिलाकर कितना रुपीज़ होगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल पैसा मिला है तो कितना हुआ बाबू, सेवन, तो हमारा आंसर कितना आ गया, सेवन। अब यहाँ देखिए फोर है, क्या है बाबू, फोर है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो मान के चलिए हमारे पास फोर डस्टर है, जो बोर्ड मिटाया जाता है ऊपर क्या है, फोर हमारे पास डस्टर है और नीचे क्या है, एक भी मतलब डस्टर नहीं है, तो हमारे पास टोटल डस्टर कितना होगा, फोर ही होगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास फोर है और नीचे एक भी नहीं है, तो क्या होगा बाबू, फोर होगा। अब यहाँ मान के चलिए ऊपर टू मैंगो है, मैंगो का हिंदी बाबू आम होता है, मैंगो का हिंदी क्या होता है बाबू, आम होता है, टू मैंगो है और नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले जब ऊपर टू मैंगो है और नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारे पास टोटल मैंगो कितना होगा, टू होगा, क्योंकि नीचे तो एक भी मैंगो नहीं है, तो हमारे पास टोटल मैंगो कितना है, टू है। ऐसा ही कहकर ये एडिशन बनता है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आए एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, सबसे पहले पाँच रुपीज़ है हमारे पास और दो रुपया है हमारे भाई के पास, दोनों का पैसा मिलाएंगे तो कितना रुपया होगा बाबू, सात रुपया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, सात। पाँच मान के चलिए हमारे पास क्या है, डस्टर है। चार कितना है, ऊपर चार है, चार हमारे पास डस्टर है और डस्टर जो होता है बोर्ड मिटाने वाला, और नीचे हमारे पास एक भी डस्टर नहीं है बोर्ड मिटाने वाला, ठीक है। तो टोटल हमारे पास डस्टर कितना होगा, चार होगा, और ऊपर हमारे पास दो मैंगो है और नीचे एक भी मैंगो नहीं है, तो हमारा आंसर कितना होगा, दो होगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज़ सीख गए होंगे, एक और क्वेश्चन आप लोग को सिखा देते हैं, ठीक है। और जितना चीज़ पढ़ाते हैं कॉपी पे लिख के उसको बनाइए। एक और क्वेश्चन देते हैं टू फोर फाइव वन, अब देखिए हमारे पास फाइव रुपीज़ है और हमारे दोस्त के पास वन रुपीज़ है, तो टोटल रुपीज़ कितना होगा, सिक्स रुपीज़। यहाँ देखिए फोर रुपीज़ है और नीचे एक भी रुपीज़ नहीं है, तो कितना होगा, फोर रुपीज़, और यहाँ टू रुपीज़ है और नीचे एक भी रुपीज़ नहीं है, तो कितना होगा, टू रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही कहकर ये एडिशन बनता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विथ टू डिजिट, ठीक है। जैसे यहाँ वन डिजिट बता दिए, अब हम टू डिजिट कल आप लोगों को सिखाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एकदम हम जीरो लेवल से मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम मैथ पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए हम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। हम फर्स्ट वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास, एल के जी क्लास, यू के जी क्लास, जिनको एडिशन नहीं आता है और आगे चल के मैथ में दिक्कत होता है, वैसा हम नहीं करने देंगे, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, पूरा हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो आप लोग डेली कंटिन्यू पढ़िए और एक कॉपी पर उसको जो भी पढ़ा रहे हैं बनाइए, और यहां समझ लिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा। ए नंबर का क्या, टू थ्री फोर, ऊपर थ्री डिजिट हम समझा दिए, थ्री डिजिट नंबर ऐसा होता है, और नीचे वन डिजिट दिया है, तो वन डिजिट सिर्फ वन रहेगा तो डिजिट है, वन से ज्यादा डिजिट रहेगा तो नंबर हो जाता है, ठीक है। तो वन डिजिट नंबर तो हम नहीं लगाए, सिर्फ वन डिजिट लगाए हैं, तो नीचे वन दीजिएगा और इसको ऐड कीजिएगा, फिर यहाँ टू फाइव सिक्स और यहाँ टू, मतलब जो भी अपना क्वेश्चन बना के अपना ये बनाते रहिएगा, जब तक आप लोग को आ नहीं जाए तब तक बनाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। तो कल हम पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट के बारे में, ठीक है बाबू।